G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के आधिकारिक निमंत्रण की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एक्चुअली इंडिया सब अंग्रेजों ने दिया, ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, उस समय पर्शियन हुआ करते थे, वो सा को हा बोलते थे। तो सिंध से हिंद हो गया, फिर ग्रीक आए, उन्होंने इंडस का, इंडस से इंडिया बन गया। यह बात इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखी हुई है। इंडिया शब्द हमें 470 BC में हमारे इतिहास में देखने को मिला। हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, ये उनके टेक्स्ट में सबसे पहले देखने को मिला। भारत शब्द कहाँ से आया? महाकाव्य काल में महाभारत में भारत या भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। पुराण में भारत दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ की भूमि को कहा गया है। संविधान सभा में भी इस बात को लेकर घमासान हुआ। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इस पर 18 सितंबर 1949 को H.V. कामत ने प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उनके कहने का मतलब था कि भारत और अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ है। इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस बात पर इतना वाद विवाद क्यों हो? अगर आप भारत नाम पसंद करते हैं तो ये भाषा का विषय है, इसमें भाषण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि इसके पक्ष में 38 मत और इसके विपक्ष में 51 मत पड़े। सेठ गोविंद दास कहते हैं कि इंडिया भारत से पुराना नाम है, भले ही इसका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है। अब अगर हम इंडिया से भारत करते हैं तो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सबका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। अब अगर इसमें चेंजेस करते हैं तो मतलब पूरे संविधान में चेंजेस होंगे आर्टिकल 368 के तहत। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।